दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मार्वल ने अपने फैंस के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की नई मूवी का नया ट्रेलर लॉन्च किया जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस। दोस्तों यह मूवी मई 2022 में आने वाली है। इस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है वो आया था 2016 में जिसका बजट था 1000 करोड़ रुपए और इसने टोटल कमाई की लगभग 7000 करोड़ रुपये की। इस मायने में यह मूवी मार्वल की सुपर डुपर हिट मूवीज में से एक रही। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसी मूवी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिन पर आपने पहले शायद कभी ध्यान ना दिया हो। इन फैक्ट्स की मदद से आप ये जान पाएंगे कि हॉलीवुड की इस बड़ी मूवी का सनातन संस्कृति, सनातन धर्म या जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं उससे कितना गहरा संबंध है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिव सारंग और आप देख रहे हैं द भारतवर्ष, जहां बात करते हैं भारतीय संस्कृति, योग और अध्यात्म की। दोस्तों यह मूवी एक डॉक्टर के ऊपर है जिसे लोग डॉक्टर स्ट्रेंज कहकर बुलाते हैं। यह डॉक्टर अपने काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है जिसकी वजह से इसमें जो ईगो और घमंड होता है वो काफी ज्यादा होता है। जब यह अपने कैरियर के शीर्ष पर था तभी इसका एक खतरनाक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिससे इसकी काफी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। उसके बाद इसका एक लंबा इलाज चलता है जिसके परिणाम स्वरूप यह डॉक्टर धीरे धीरे सही तो हो जाता है लेकिन इसके हाथ जो इसके काम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे वे पहले की तरह नहीं हो पाते और हमेशा कांपते रहते हैं। यह देखकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसके इलाज के लिए वह पूरी दुनिया में भटकता है लेकिन कहीं से भी उसे वो रिजल्ट नहीं मिलता जो वो चाहता था। ऐसे में उसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता लगता है जिसकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी लेकिन आज वो व्यक्ति सिर्फ सही ही नहीं है उल्टा लोगों को बास्केटबॉल खेलना भी सिखा रहा होता है। यह व्यक्ति एक समय इलाज के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी आया था लेकिन इस डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया था कि इसका इलाज नामुमकिन है। डॉक्टर स्ट्रेंज जब इसे देखता है तो पूरी तरह चौंक जाता है और पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ से तुम इस तरह से ठीक हो पाए। तो काफ़ी पूछने के बाद व्यक्ति डॉक्टर को बताता है कि नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है कामरताज। वह वहाँ गया, गुरु और साधुओं के साथ रहा और वहीं से उसका यह इलाज हो पाया। इसके साथ ही वह यह भी बताता है कि वहाँ सीखने के लिए और भी कई चीज़ें थी लेकिन वह इतना ही कर पाया। दोस्तों आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि नेपाल 2006 तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। इसके बाद इसे भारत की तरह सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया गया लेकिन यहाँ आज भी 81% के आसपास हिंदू आबादी रहती है। तो दोस्तों होता यह है कि इसके बाद नेपाल की राजधानी में स्थित कमरताज नाम की जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज जाता है। इस जगह के आसपास कई नागा साधु भी इसमें बैठे दिखाए गए हैं जिनका सनातन संस्कृति में अपना एक अलग महत्व है। इसके बाद जब वो कामरताज में जाता है तो वहाँ के गुरु माँ से मिलता है जो उस जगह की हेड होती है जिन्हें वहाँ के लोग एंशियंट वन कहते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि उनकी उम्र कितनी है। दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही गुरु माँ से मिलता है गुरु माँ बिना कुछ पूछे डॉक्टर स्ट्रेंज की पूरी कहानी उसे बता देती है जिससे वह काफ़ी हिल जाता है। दोस्तों अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी तो नहीं देखी लेकिन भारत के कई महान संतों की कहानियां सुनी हैं तो आपको अभी तक की कहानी काफ़ी सुनी सुनी लग रही होगी क्योंकि दोस्तों भारत में कई ऐसी प्राचीन कहानियां हैं जिसमें गुरु शिष्य की इसी परंपरा का जिक्र है। साथ में गुरु और शिष्य की पहली मुलाकात भी कुछ इसी तरीके से होती है जैसे इस मूवी में दिखाई गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसी किसी पुरानी सच्ची कहानी का यहाँ एग्जाम्पल दूँ तो आप शायद यकीन ना करें क्योंकि इतनी पुरानी घटना के सबूत देना या ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको रामदास जी की स्टोरी पढ़ने के लिए कहूँगा जो कि पूरी तरह से रियल है। इनका शुरू में नाम रिचर्ड अल्पर्ट था और अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में प्रोफेसर थे। बाद में इन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया। अभी 2019 में इनका देहांत हुआ है। इनके ऊपर नेटफ्लिक्स ने रामदास गोइंग होम नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की हुई है जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों रामदास जी के गुरुजी थे श्री नीम करोली बाबा जी जिन्हें एप्पल के स्टीव जॉब से लेकर फेसबुक के मार्क जकरबर्ग तक काफी मानते हैं। अगर आप रामदास और रिचर्ड अल्पर्ट की पूरी बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द भारत वर्ष पर जाएं, वहां आपको यह आसानी से मिल जाएगी जिसकी लिंक हम आपको वीडियो कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों इनकी जीवनी आपसे पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक की डॉक्टर स्ट्रेंज की जो आपको कहानी सुनाई है वो इनकी कहानी से काफ़ी मैच तो करती ही है। साथ में जब आप इससे जुड़े सबूत ढूंढेंगे तो वो भी आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि सनातन धर्म विश्वास पर नहीं हमेशा सत्य पर जोर देता है और लोगों को एक खोजी या जिज्ञासु बनने की प्रेरणा देता है। इसी का परिणाम है श्रीमद् भगवद् गीता ग्रंथ। अगर अर्जुन सिर्फ विश्वास करके कृष्ण जी की बात शुरू में ही मान जाता और आगे कोई प्रश्न नहीं उठाता तो दुनिया को यह पवित्र ग्रंथ कभी ना मिलता। तो चलिए अब अपनी मेन स्टोरी पर आते हैं। गुरु माँ से मिलने पर गुरु माँ एक बुक में कुछ फोटोज डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाती हैं जो कि फिर से सनातन संस्कृति के योग विज्ञान से ली गई हैं, जैसे कि ये सात ऊर्जा चक्र। योग विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि योग के जरिए आप अपनी ऊर्जा को नीचे के चक्र से जितना ऊपर के चक्रों की तरफ ले जा पाएंगे आप अपने जीवन में उतना ही अपनी परेशानियों से और दुख से मुक्त हो जाएंगे। साथ में कुछ ऐसे कार्य भी कर सकेंगे जो अन्य आम लोगों के लिए असंभव प्रतीत हों। दोस्तों इतना सब होने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने घमंड और उसने अभी तक की जो पढ़ाई की थी उसकी वजह से उसे चक्र, आत्मा, परमात्मा जैसी बातें बकवास लगती हैं जिनके बारे में हिंदू और बौद्ध धर्म में बताया गया है। इससे वह गुरु माँ पर गुस्सा भी हो जाता है और कहता है कि इन सब फालतू की बातों के लिए मैं यहाँ नहीं आया। इस पर गुरु माँ कुछ देर के लिए डॉक्टर के शरीर और आत्मा को अलग अलग कर देती हैं।
लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि यह सब एक भ्रम है, शायद मेरी चाय में कुछ मिलाया गया है। तो गुरु माँ कहती है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम अभी नहीं जानते। ऐसा कहकर गुरु माँ डॉक्टर के सिर के बीच में उस जगह अपना अंगूठा रख देती है जिसे योग विज्ञान में आज्ञा चक्र कहते हैं। दोस्तों, आज्ञा चक्र के बारे में कहा जाता है कि हम अगर इसे जागृत कर लेते हैं तो यह हमारा सारा अज्ञान समाप्त करके हमें परमानंद के स्तर तक ले जा सकता है। इसलिए आज भी कई गुरु अपने शिष्यों को आनंद में स्थिति तक लाने के लिए और जागृत करने के लिए आज्ञा चक्र पर ही स्पर्श करते हैं। दोस्तों, इसी तरह गुरु माँ भी डॉक्टर स्ट्रेंज के आज्ञा चक्र पर अपना अंगूठा रखती है, लेकिन अंगूठा ही क्यों रखती है, कोई और अंगुली क्यों नहीं रखती, यह सब योग विज्ञान से संबंधित है। अगर हर चीज के बारे में हम आपको बताने लगे तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, लेकिन यह बात कही जा सकती है कि मूवी को बनाने वाली टीम में कोई ना कोई ऐसा जरूर था जिसने योग और भारतीय ग्रंथों की बड़ी गहराई से स्टडी की थी। दोस्तों, गुरु माँ आंखें खोलो बोलकर जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज के आगे चक्र पर अपना अंगूठा रखती हैं, उसके बाद डॉक्टर को अनंत ब्रह्मांड से लेकर काफी कुछ देखने को मिलता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह दृश्य इतना भयानक होते हैं कि वह बुरी तरह से घबरा जाता है, और जब वापस होश में आता है तो गुरु माँ के सामने अपने आप को सरेंडर करके कहता है कि मुझे अपना शिष्य बना लो। दोस्तों, इस सीन को देखकर श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय याद आता है, जहां अर्जुन के बार बार भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की आंखें खोलने के लिए अपना विश्व रूप उसे दिखाते हैं, जिसमें अर्जुन को अनंत सिर, आंख, पैर, अनंत ब्रह्मांड और भी बहुत कुछ ऐसा नजर आता है जिसका ना कोई अंत होता है, ना प्रारंभ होता है और ना ही मध्य होता है। यह देखकर अर्जुन की भी हालत खराब हो जाती है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप फिर से सामान्य रूप में आ जाइए। दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के इस सीन जैसी घटना स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी होती है, जो वो अपने गुरु से पहली बार मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं कि इसका क्या प्रूफ है कि भगवान है, और अगर है तो मुझे दिखाओ। इस पर स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम भगवान को देख सको? तो स्वामी विवेकानंद जी जवाब देते हैं, हाँ, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं भगवान को देख सकूं। तो ऐसा कहने पर स्वामी विवेकानंद जी को उनके गुरु स्पर्श करते हैं और वह कई घंटों के लिए समाधि में लीन हो जाते हैं। जैसे ही वो समाधि से वापस आते हैं, वे अपने गुरु के सामने सरेंडर कर देते हैं और सदा के लिए उनका शिष्य बन जाते हैं। दोस्तों, गुरु और शिष्यों की इस भारतीय परंपरा में ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जब आप इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम फिर से अपनी मेन स्टोरी पर आते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ का शिष्य बन जाता है, और यहाँ पर उसे वाईफाई की सुविधा भी दी जाती है जिसका पासवर्ड होता है शाम्बला। इस शब्द का जिक्र बौद्ध परंपराओं में तो देखने को मिलता ही है, साथ में शाम्बला शब्द का जिक्र आपको विष्णु पुराण में भी मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शाम्बला वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु जी के अगले अवतार कल्कि आने वाले हैं, जिससे कलयुग समाप्त हो जाएगा और फिर से सतयुग आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, जब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ की लाइब्रेरी से बुक्स लेने के लिए जाता है तो उससे लाइब्रेरियन पूछता है, क्या तुम्हें संस्कृत पढ़ने आती है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज जवाब देते हैं, आती तो नहीं है, लेकिन मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लूंगा। इसके बाद लाइब्रेरियन डॉक्टर को कुछ बुक्स पढ़ने के लिए देता है और कहता है, ये लो बुक्स जो लिखी गई है वैदिक क्लासिक संस्कृत में। दोस्तों, आप में शायद ज्यादातर लोग जानते होंगे कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, इसलिए हमारे सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। लेकिन इससे जुड़ी एक बात है जो कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, 1985 में नासा के वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तालमेल बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो हम संस्कृत भाषा के ऊपर भी एक ऐसी अलग से वीडियो ला सकते हैं, इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। दोस्तों, इसके बाद जब गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को हवा से हथियार बनाना सिखाती है तो इसमें जिस डिजाइन का यूज किया गया होता है वो भी कुंडलिनी के 7 चक्रों का मिला जुला रूप होता है। दोस्तों, इस तरह मूवी के बीच में कई ऐसे डायलॉग आते हैं जो कि आपको सुने सुने से लगेंगे। अगर आपने हिंदू, बौद्ध या फिर जैन धर्म जैसे भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों को समझा है, इस मूवी के अंत में एक सीन आता है जिसमें इस मूवी के विलेन डोरमामू को डॉक्टर स्ट्रेंज काल चक्र में फंसा देता है, जिससे बार बार एक ही घटना उसके साथ हो रही होती है। इससे विलेन परेशान होकर हार मान जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मुझे इस काल चक्र से मुक्ति दिला दो। दोस्तों, भगवद गीता, उपनिषद या वेदों की माने तो हम भी ऐसे ही एक काल चक्र में फंसे हुए हैं जहां हमारा शरीर बार बार पैदा होता है, फिर हर बार वही एक जैसे काम करता है और फिर से मर जाता है। ऐसे में हमारी कोशिश भी इस काल चक्र को तोड़कर बाहर आने की होनी चाहिए, जिसमें आपकी मदद डॉक्टर स्ट्रेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन एक चीज है जिसका निर्माण हमें इस काल चक्र से बाहर लाने के लिए किया गया है, उसका नाम है योग। दोस्तों, योग का मतलब यहाँ पर सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है, क्योंकि यह योग के सिर्फ कुछ अंग हैं। योग अपने आप में बहुत विस्तृत है, जिसके बारे में हम अपनी किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही नहीं, ऐसी और भी मूवीज हैं जो कि सनातन संस्कृति के ज्ञान पर आधारित हैं। इसमें से कुछ के बारे में हम आपको अपनी पुरानी वीडियो से बता चुके हैं, जैसे कि इटर्नल्स एंड मैट्रिक्स। अगर आपकी नज़र में ऐसी और भी कोई मूवीज है तो आप हमें जरूर बताएं,
और ज्यादा कुछ नहीं तो आप अपने जीवन में कम से कम एक बार श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़ें। आपकी मदद के लिए मैं योग से जुड़ी कुछ हिंदी बुक्स की लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने जीवन को समझने और इसे एक सही दिशा देने में बहुत मदद करेगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे पेज सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, योग और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी अद्भुत जानकारी आप तक लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। और आगे अगर आप ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रयास में हमारा साथ देने के लिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।